जारी की गई है और चंदौली जिला प्रशासन द्वारा इसमें क्या किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों अनुसार चूँकि 25 दिसंबर से रात्रि 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक रातकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, बढ़ते हुए कोरोना के दृष्टिगत ये गाइडलाइन लागू की जा रही है। साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे यहाँ थे अस्पतालों में, वो पर्याप्त संख्या में लग गए हैं, उनको लगातार सतत क्रियाशील रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया गया है और विशेष रूप से उनको मैसेजिंग किया गया है कि जो भी अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसको आइसोलेशन में जाना है, उसका सतत निगरानी करें। वैक्सीनेशन की गति हम लोगों ने बढ़ाई हुई है ताकि सभी को कोविड की द्वितीय डोज लग जाए, सुनिश्चित किया जाएगा चिकित्सा विभाग के द्वारा। और इस तरह से हम लोग ओमिक्रॉन का जो अलर्ट जारी किया गया है जनपद में पीए सिस्टम के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। व्यापारियों के लिए जो एक संदेश आया है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, उस पर भी हम व्यापार संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें कि वो मास्क लगा के ही बाहर निकलें। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या खुद निरीक्षण मौके पर करेंगे? निश्चित रूप से जो उसकी संबंध में बैठक भी की जा रही है और जो हमारे पूर्व की तैयारियां थी वो सभी उपकरण क्रियाशील हैं, टीमें गठित की जा रही हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटा जा सके।